को ज्वाइंट फैमिली में हर फर्द के रवैये के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर तुम भी उनको उन्हीं की तरह जवाब दोगी तो फिर तो रोज रोज घर में लड़ाई होगी ना। अब देख लिया तुमने, लेकिन मैं आपकी तरह दब कर नहीं रहती। हाँ तो कौन कह रहे हैं दब कर रहो, बोलो जो भी कह रहे हैं मेरे मुँह पे बोलो, मेरे पीठ पीछे मेरी बुराइयां मत करो। मैं आपके पीठ पीछे कोई बुराइयां नहीं करती हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है आपसे बात करने की। आप मुझसे अलग लड़ने का बहाना क्यों ढूंढती रहती हैं? मैं जो भी कहती हूँ ना सामने कहती हूँ, मुंह पे कहती हूँ, तुम्हारी तरह पीठ पीछे बतखुइयां नहीं करती मैं। मैंने आपकी कोई बुराइयां नहीं की है, मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है, जाके अपना काम करें जाएं। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे मुंह लगने का, बढ़िया ही कहीं से तराती शक्ल, कोई कुलो पैतरा है कहीं की। जैसी भी हूँ आपसे लाख दर्जे बेहतर हूँ। देखा देखा कैसे जबान चल रही है इसकी। अरे मैं तो पहले ही दिन समझ गई थी इन दोनों माँ बेटियों को देख के बहुत ही चलाक होशियार और पूर्ण किस्म की औरत। मैंने आपसे पहले भी कहा है मेरी माँ के ऊपर मत जाया करे। जाऊंगी एक बार नहीं हजार बन जाऊंगी, 10,000 बन जाऊंगी, 100,000 बन जाऊंगी। मैंने कौन सा ऐसा झूठ कह दिया जो पारा चढ़ रहा है तुम्हारा? हाँ तो फिर मैं भी आपकी माँ को बोलूंगी। बोल के देखा मैं गुद्दी सदा जबान खींच लूंगी। समझती क्या अजरा, क्या हो रहा है तुम्हें? अम्मी इनके साथ मसला क्या है? मैंने इनको कुछ नहीं कहा, ये मुझसे क्यों लड़ रही होती है हर वक्त? अच्छा कुछ नहीं कहा तो फिर ये कौन कह रहा था कि भाभी हत्ते से उखड़ जाती है? मैं बताओ हत्ते से उखड़ना किसको कहते हैं? हाँ तो आपकी अम्मी ने आपको यही सिखाया ना कि ससुराल में जाकर जाहिलों की तरह लड़ो। मेरी माँ ने मुझे ये भी सिखाया कि किसका मुंह किस तरह तोड़ता है। शुरू किसने किया था? तुमने किया था, तुम असमा से मेरी बुराई कर रही थी। मैंने कोई बुराइयां नहीं की, मुझे कोई शौक नहीं आपकी बुराइयां करने का। पर हद बस अपनी हद में रहना, हद में वरना तुम ही उल्टे हाथ में। हाँ तो जो कुछ मैं कह रही थी उसका अम्मी उजा रही तो करके दिखा रही है। तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी तो मैं तुझे चाहती हूं। अजरा आ जा, जाहिल औरत। बस चलो आओ इधर आओ। कैसे गुजारा किया आपने इनके साथ इतने साल? अच्छा आप मुझे छोड़ दे भाभी। हाँ अम्मी फोन किया था। हाँ फोन पर मिस कॉल देखी तो मैं तो परेशान हो गई कि आज अजरा ने कैसे फोन कर लिया। तू तो हर वक्त ससुराल में घुसी रहती है, माँ को पूछती भी नहीं। अच्छा ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। अच्छा हाँ आए नहीं ना तुम लोग मेरे देवर की शादी में, दिखला दी ना अपनी असलियत। क्या इज्जत रह गई मेरी ससुराल में है? तेरा भाई नाराज था, कह रहा था कि अजरा ने मोबाइल पे मैसेज भेज दिया है, खुद कार्ड देने नहीं आए। तो उस नवाबजादे को जरा समझा दो कि मैंने कम से कम अपने देवर की शादी में बुला तो लिया, उसने तो अपने साले की शादी की खबर नहीं लगने दिया हमें है। वो तो अंबर ने देख लिया फेसबुक पे तस्वीरों को, तभी तो मुझे पता चला कि नवाबजादे ने साले की शादी में हमें बुलाया ही नहीं है। हाय हाय अरे अजरा भूल जा अब ये सारी बातें, तू तो बस एक ही बात पकड़ के पीछे पड़ी रहती है। हाँ भूल गई हूँ, जब भी तो फोन किया था मैंने, वो मैं उमर की सालगिरह कर रही हूँ तो तुम लोग आ जाना। कर रहे सालगिरह? जरूर आएंगे। हाँ वो मैं बता दूंगी, जब तारीख तय होगी तो बता दूंगी कि कौन सी तारीख को कर रही, लेकिन वो भाई को कह देना कि मैं ना एक साइकिल की तस्वीर भेजूंगी, वो शाहदेव की साइकिल है, बिल्कुल वैसी ही साइकिल चाहिए उमर की सालगिरह पर उसका तोहफा मुझे। शाहदेव की साइकिल? भाई शाहजेब की सालगिरह हुई थी, उसके मामू ने उसको बड़ी जबरदस्त साइकिल दी है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे उमर को भी उसका मामू वैसी की वैसी साइकिल दे, बिल्कुल डिट्टो कॉपी। वैसे है कब सालगिरह? सालगिरह का दिन मैं बाद में कंफर्म कर दूंगी, पहले तुम मुझे कंफर्म करो कि वो मेरे बेटे को साइकिल देने को तैयार है कि नहीं। अगर साइकिल देगा तो सालगिरह में बुलाऊंगी, वरना तुम लोगों को मैं सालगिरह में नहीं बुलाऊंगी। ऐसा ना हो कि आओ 500 रुपए का लिफाफा हाथ पे थमाओ और बोटियां खा के चले जाओ तुम लोग, ठीक है? कितनी खुश थी मैं अम्मी अबू से बात करके, लेकिन अजरा भाभी ने तो मेरी सारी खुशी गारत कर दी। तुम्हें पता है अम्मी मुझसे पूछ भी रही थी कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं नहीं रख रहे। मैंने उनको कुछ नहीं बताया वरना वो परेशान हो जाती। क्या बताती मैं उनको कि अजरा भाभी तो मेरे सामने से खाना तक उठा के ले जाती है। अच्छा क्या गारंटी को कुछ नहीं बताया? अपना मूड तो अच्छा करूंगा। मैंने कोई जान के तो अपना मूड खराब नहीं किया ना वासिल, वो इतनी जाहिलों की तरह लड़ी होती है किसी का भी मूड खराब हो जाए।
और अजीब सी बात यह है कि तुम्हारे घर में उन्हें कोई कुछ कहता भी नहीं है। अस्मा भाभी भी खड़ी थी, अम्मी भी खड़ी थी, लेकिन मजाल है जो किसी ने एक लफ्ज भी कहा। वो किसी की सुनती ही कहा है अजरा भाभी, तो मैंने पहले भी समझाया था कि जब वो कुछ बोला करे उन्हें इग्नोर किया करो। ये बहुत अच्छा है, हर बात पे उन्हें इग्नोर कर दो। तुम लोगों ने यही कर करके उनकी आदतें खराब की हैं। अंबर, अंबर, सुनती नहीं है लड़की? क्या है अम्मी? एक काम कर, वो शाहजेब की जो साइकिल है ना, उसकी तस्वीर खींच और नानी को भेज दे। क्यों? तेरे वकार मामू जो है ना, उमर के सालगिरह में बिल्कुल वैसी साइकिल देंगे। दे ना दे। अच्छा, ज्यादा बकबक ना कर। कौन आया था बाहर? वासिर चाचू आए। इतनी जल्दी आ गया? जरूर उस चुड़ली ने ना फोन करके बुलाया होगा, बड़ी तेज है। एक काम कर, जा जरा कान लगा के बातें तो सुन, क्या बातें हो रही है उनके कमरे में। मैं नहीं जा रही, मुझे वैसे ही पढ़ना है अभी अपना। जा जाके देख क्या बातें हो रही है, चल। जा रही हूँ। आई बड़ी पढ़ाकू, हर साल दो सब्जेक्ट में फेल होती है, पढ़ना है मुझे। अच्छा वो सब छोड़ो, ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। डोनट्स, यहाँ से तुम्हारे अबू लाते थे तुम्हारे लिए, वहीं से लेके आया, खाऊंगा। खा रही। और मैं तुम्हें पहले भी समझाया था कि अजरा भाभी की आदत है कान लगा के बातें सुनने। तो क्या करें हम, इशारों की जबान बात करना स्टार्ट करें? या मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें मैसेज पे बता देती हूँ कि मुझे क्या कहना है तुमसे। हर वक्त इसी डर में बैठा रहे बंदा कि वो सुन ना ले बातें, बल्कि मुझे तो लगता है अभी भी खड़ी भी सुन भी नहीं पाऊंगी मैं। अच्छा क्यों परेशान हो रही है, कोई नहीं सुन रहा बातें हमारी। ये देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये तो मेरे लिए लाया हूँ। बहुत अच्छा है, थैंक यू। और ये लो, तुम्हारे महीने का खर्चा है। मैं देखूं? ये तो सिर्फ 8,000 रुपए। तुम्हें महीने का कितना खर्चा मिलता है? शादी से पहले ये कि 10-15 हज़ार रुपए मिलते थे, लेकिन अब अबू ने बढ़ा दिए, अब 35,000 रुपए दिए। बस इतने पैसे? हमारे लिए तो काफी है ना, और वैसे भी हमने कौन सा बिल पे करने होते हैं, क्या राशन डलवाना होता है। और नसीर भाई और जमाल भाई को भी इतने ही पैसे मिलते हैं? नहीं, उन्हें ज्यादा मिलते हैं, उनके बच्चे हैं, उन्होंने स्कूल की फीस देनी होती है, घर के बिल पे करने होते हैं। फिर भी तुम्हें मालूम तो होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हर चीज का हिसाब किताब रखा करो। हर चीज का हिसाब तो अब्बू रखते हैं, वैसे भी वो नाइंसाफी थोड़ी ना करेंगे, और मेरी शादी का सारा खर्चा मेरे भाइयों ने, मेरे अबू ने उठाया, मैं हिसाब किताब लेते हुए अच्छा थोड़ी ना लगूंगा। अच्छा तो खाओ प्लीज। खाद और पसंद आए तुम्हें? बहुत प्यारी है, थैंक यू। अमूल सही हूँ। अम्मी मुझे ना आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ हाँ बताओ। मैं कह रही थी, वो आपको याद है मेरी खाला की मामू के जो भाई थे, उनका जो साला था, अरे जवान था बिल्कुल, कल रात उसकी मौत हो गई। 22 साल का जवान लड़का था, यूं हार्ट अटैक हुआ, यूं ऊपर। तो कहने का मकसद ये था कि आजकल ना जवान जवान मौतें हो रही हैं, तो मेरा मकसद कहने का ये था कि आजकल ना ऐसी मौतें हो रही हैं जैसे चट मंगनी पट बे होता था ना, वैसी चट हार्ट अटैक पट मौत, चट बीमारी पट मौत। तो कुछ नहीं पता किसी का, कौन कब चला जाए, कब आपकी आंखें बंद हो जाएं, हमें क्या पता। मैं ये चाह रही थी कि आपका जो जेवर है ना, ऐसे ही पड़ा रह जाएगा,
वो अपने जाने से पहले सारी बहुओं में तकसीम कर दें और वलीद की बीवी के लिए भी रख लें। आप अपने पास रख लें, आपके जाने के बाद मैं संभाल लूंगी। कि तुम्हें आज जेवर की तकसीम के बारे में क्या सोची? भाई अम्मी आप भी जो ना हर बात के ऊपर ना एक सोने की चीज निकाल के वासिफ के दुल्हन को पकड़ा देती हैं। सारा सोना ऐसे खत्म कर देंगी आप। ठीक है मैं आपको पसंद नहीं हूँ इसलिए आप मुझे नहीं देती, लेकिन मेरे बच्चों का क्या कसूर है? उनका तो बराबर का हक बनता है ना। अब कल को अंबर की उम्र की शादी होगी तो उम्र की दुल्हन को मैं दूंगी ना, अंबर को दूंगी ना, यही दूंगी ना जो आप मुझे देंगी। मेरा सारा सोना उन्हीं का तो है और किसका है? तुम्हें पहले भी बताया था और समझाया था कि सबसे अच्छा तुम्हारे साथ हुआ है। तुम सबसे पहली बहू थी इस घर की, मेरे पहले बेटे की दुल्हन थी, ये तुम हर चीज में मुकाबला क्यों ले आती हो? देखो अजरा, हवस और हसद बहुत बुरी चीज है। बड़ी अजीब सी बात है अम्मी, मेरी दफा में आपको सब कुछ याद आ जाता है, पूरा बेहश्ती जेवर याद आता है, और अपनी दफा में आप सब कुछ भूल जाती हैं। हाँ अम्मी देखें कितनी प्यारी लग रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही, बहुत प्यारा जोड़ा है। हाय अम्मी, अम्मी ये तो वही जोड़ा नहीं है जो हम दोनों ने एक साथ खरीदा था इसके लिए? मैं आपसे कह रही थी कि ये जोड़ा ले लें ले लें ले लें, लेकिन आप कहती नहीं नहीं इतना महंगा जोड़ा है, क्या जरूरत है इसके लिए इतना महंगा जोड़ा लेने की। लेकिन मैंने आपसे कहा था ना कि वो इस पे अच्छा लगेगा, देखें कितना अच्छा लग रहा है इस पे ये जोड़ा। वैसे एक बात है, ये जब से शादी हुई ना हमारे ही तरफ के जोड़े पहने जा रही है, इसकी तरफ का तो एक भी इस काबिल नहीं है कि ये पहन ले, इतने बुरे जोड़े। चलो रास्ते में किसी फकीर को दे देना और जाने से पहले कानों में भी कुछ पहन देना। जी पहनती। जाओ बेटा खैर से जाओ। वैसे आपकी सैलरी कितनी है? भाभी अभी स्टार्टिंग है तो 2.5 लाख है, आगे कह रहे हैं कि 6 महीने बाद सैलरी भी बढ़ा देंगे और गाड़ी भी दे देंगे। कैसा लगा आपको भाभी? काफी अच्छा गाना है यार। तुम्हें साजिद और राबिया याद है? हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए, रोजाना कॉल करते हैं मुझे कि मेरी सीवी फॉरवर्ड कर दो अपनी कंपनी में। अब तुम खुद बताओ उनकी जीपीएस लाइक थी कि मैं उनकी सीवी फॉरवर्ड करूं? वैसे वासिफ तुम्हारी क्या जीपीए थी? इसकी इसकी भाभी 3.9 थी, मुझसे भी ज्यादा। हमारी क्लास का सबसे ब्रिलियंट और फोकस लड़का था ये। तो आप इनकी सीवी फॉरवर्ड क्यों नहीं करते हैं? अरे भाभी मैंने तो उसको कितनी बार कहा है कि मुझे अपनी सीवी फॉरवर्ड कर दे, लेकिन यही नहीं मानता, जिद पे अड़ा हुआ है। इसकी तो माशाल्लाह से जीपीए ऐसी, इसका तो यूं हो जाएगा कंपनी में। नहीं मैं अपने फैमिली बिजनेस में सही, अच्छा काम है खुद का। वैसे भाभी इनका डिजर्ट मेन्यू भी देखें, बहुत कमाल के डिजर्ट्स हैं इनके पास।